शहर के बड़े बूढ़े अधिकारी कर्मचारियों ने याद किया अपना बचपना, बच्चों के बीच पहुंचकर खुद बने बच्चे, पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी हुआ मिल बांचे कार्यक्रम। पूरे प्रदेश के साथ शुक्रवार को रीवा में भी तीसरे मिल बांचे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अफसर, समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर छात्रों के बीच जाकर अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान किस्से कहानियों के माध्यम से छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस कार्यक्रम के लिए 7,284 लोगों ने अपना पंजीयन वॉलंटियर के रूप में कराया था, जिसके तहत पंजीकृत स्कूलों में जाकर इन सभी लोगों ने अपनी सफलता और जीवन के अनुभव को छात्रों के बीच बांटा। शहर के यसके स्कूल में जहां संभागीय कमिश्नर और एसडीएम पहुंचे, तो वहीं पीके स्कूल में महापौर। छात्रों की सबसे अच्छी दोस्त किताबें होती हैं, जो उन्हें सारे जहान की जानकारी देकर उन्हें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बड़ों के माध्यम से बच्चों को किताबों की रोचक दुनिया के बारे में बताना था, जिससे कि बच्चे बड़ों से शिक्षा लेकर पढ़ाई में मन लगाएं और आज के बच्चे जो कल का भविष्य हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। संभाग का नाम
मध्य प्रदेश और अपने राज्य का नाम, राज्य का नाम रीवा बताओ, राज्य का नाम। अच्छा, मध्य प्रदेश का मानचित्र देखा है, नक्शा देखा है मध्य प्रदेश का? अच्छा, तो मध्य प्रदेश का जो नक्शा है उसमें रीवा कौन सी दिशा में है? बन सकते हो? यस सर। बनना, अब बनने के लिए मेहनत करना।